नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। प्रेस क्लब के बाहर आज रहबरे खेल के एम्प्लॉयज के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि यहां पर भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें जस्टिस चाहिए। रहबरे खेल के यहाँ पर काफी तादाद में आज यहाँ पर एम्प्लॉयज आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से लाइव दृश्य। यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर आज जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार इनकी सरकार से यही डिमांड है कि ये जस्टिस जो इनका रहबरे खेल में जो टीचर्स हैं जो अभी तक रेगुलर नहीं हुए, उनकी डिमांड है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह प्रोटेस्ट कितना उग्र हो चुका है। काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे और आज इनकी जो डिमांड है आज टीचर सड़कों पे है, हमारे साथ डंडे मार रहे हैं ये लोग, हम अपना इंसाफ मार रहे हैं और छुट्टी मांग रहे हैं। मैं खुद PhD हूँ, मैंने 2 times किया है, JRF किया है और ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो आज कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से। LG एडमिनिस्ट्रेशन देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आज टीचरों को डंडे पड़ रहे हैं, ये देखो महिला टीचरों को, उनको भी डंडे पड़ रहे हैं। हम तो क्या इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ के सिवा हम कुछ नहीं मांग रहे। हम तो बोल रहे हैं LG साहब, जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई उसका पूरा करो। जो आपने हमारी डेलीगेशन को बोला था 7 दिन में आप लोगों का ऑर्डर हम निकालेंगे, आज 7 महीने हो गए, वो कमिटमेंट कहाँ गई? क्या यही इंसाफ होता है? क्या हम टीचर ठंडे खाने के लिए है? ये यहाँ देखिए कोई ला की नहीं, हम कोई ला नहीं तोड़ रहे हैं। पीसफुली हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज़ को सुने। देखिए इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस थिंग हैपेंस टू टीचर्स, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए कितने टीचरों को चोट लगी है, कितने टीचरों को मारा गया है। हम तो पीसफुली अपनी आवाज LG साहब से पूछना चाहते हैं और कुछ नहीं, कि हमारा जो आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दीजिए। मेहरबानी, हम वापस जाएंगे अगर हमारी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। या आज 18 दिन हो गए हमें त्रिकोटा नगर में वहाँ धरने पे, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक बंदा मिलने को नहीं आया है। सिर्फ BJP के लोग वहाँ पे आते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं। कश्मीर के फार्मलर एरिया से हम लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर के, यहाँ से भी इनका जानना चाहेंगे। श्रीनगर से यहाँ आए सिर्फ इसलिए ताकि हमें इंसाफ मिले। 16 दिन से हमारे भाई बैठे हैं इसमें प्रोटेस्ट में, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुन रहा है कोई, हमारे लिए इंसाफ ही नहीं कर रहा है। जैसे कि देखा आपने यहाँ पर रहबरे खेल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो टीचर्स हैं, ये जम्मू कश्मीर के, ये लगातार यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। और लगभग 7 महीने हो चुके हैं इनको यहाँ पर डिमांड करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है, जिस पर इन्होंने यहाँ पर आज प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से प्रोटेस्ट इस टाइम कितना उग्र हो चुका है। That's with you. आपके पास अपना पूरा करो।
कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी की तरफ से। लगातार यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि जो इनकी पॉलिसी है उन्हें लागू किया जाए। रेगुलर पॉलिसी की लगातार डिमांड करते हो ये टीचर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर रहबरे खेल के ये टीचर्स हैं। सात महीने से ये डिमांड कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और ये आश्वासन कब तक देती जाएगी इसके लिए कोई पता नहीं, जिसके लिए ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी डिमांड सिर्फ यही है कि इन्हें रेगुलर किया जाए। ये देखिए सर, ये बच्चा हमारा रोड पे है तो इसका क्यों कौन सा कसूर नहीं मुनि जान का, जब हमारे पास है नहीं कुछ। श्रीनगर से यहाँ पे आई हुई, इसके जेब में कुछ दूध देने के लिए इसके जेब में 10 रुपए भी नहीं है, 4000 महीना में मिल रहे। हमारी बस इतनी छोटी सी एक डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारा प्रमोशन पीरियड है वो 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। हम पिछली बार राजभवन में, श्रीनगर में राजभवन में जी साहब से मिले थे और हमने हमारे साथ वादा किया था कि आपका मसला हम 7 दिन में हल करेंगे। 7 दिन क्या, आप 7 महीने हो गए अभी तक हमारे कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। अब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल कीजिए। तो जैसे आपने देखा है यहाँ पर लाठी चार्ज शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से कि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है। कैसे लाठी मार रहे हैं, कैसे देखो कैसे। लेडीज भी यहाँ पर जो रहबरे खेल की टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर जस्टिस की डिमांड कर रही हैं गवर्नमेंट से। सिर्फ सरकार से इनकी यही डिमांड है कि जो प्रोविजन पीरियड है वो 7 साल से कम करके 5 साल तक कर दिया जाए। लगातार 7 महीने से ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक है सबसे बड़ा पुलिस का मुकाबले में देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर एक लेडीज जो है वो बेहोश हो चुकी है। प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर लाठी चार्ज के दौरान एक यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता है जो रहबरे खेल की वो बेहोश हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रहबरे खेल के टीचर्स हैं ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार इनकी एक ही सरकार से डिमांड है कि जो प्रोविजन पीरियड है उसे 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए। जानने की कोशिश करेंगे और अब देखिए जब मेरा बाजू भी तोड़ा गया, पुलिस वालों ने हम पर कितना अत्याचार किया, लाठी चार्ज हम पे किया, बाजू मेरा तोड़ दिया। हम टीचर्स हैं, वी आर द नेशन, वी आर द नेशन बिल्डर्स, वी आर मेकिंग, वी आर द पीपल हु एरिकेट, वी एरिकेट द ड्रग्स फ्रॉम द यूथ्स एंड वी आर द फ्रंटलाइन वर्कर्स who works from last from 15 years we are on the roads। आज ये तीन स्टार लेके बैठे हैं, इनको इतनी अक्कल नहीं है, ये टीचर्स हैं, ये हक मांग रहे, डांगी चला रहे, मांग तो आती दाल पाती रहे, इनको सामने आता है मार रहे, जगह जगह से जाते जा रहे, मार जाने ले रहे दर में कौन जा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ
जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से इनको काफी चोटें भी आई हों। और एक महिला इस लाठीचार्ज में जो रहबरे खेल की कर्मचारी थी, उनका वो भी यहां पर बेहोश हो चुकी है। मैडम अंदर आप देख सकते हैं लाठी चार्ज के दौरान जो यहाँ पर रैपरे खेल के जो एम्प्लॉय हैं वो बेहोश हो चुके हैं। उन्हें लगी है बड़ी जोर ज्यादा, अभी उन्हें हॉस्पिटल लिया जा रहा है उपचार के लिए। आप इस समय ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से ये लाइव दृश्य देख रहे हैं। रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो यहाँ पर लगातार डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है, इनको बुरी तरह से चोटें आई हैं और अब इन्हें उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं रहबरे खेल के, ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर इन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से कुछ जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें चोटें आई। एक महिला कर्मचारी भी आपने देखा लाइव में कि किस तरह से वो बेहोश हो गई। और ये जो प्रोटेस्ट है रहबरे खेल टीचर्स का उग्र होता चला जा रहा है और सरकार से इनकी एक ही डिमांड है कि जो प्रोविजन पॉलिसी है उसे 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए। और अगर ये पॉलिसी को वो कम नहीं करेंगे तो ये प्रोटेस्ट इसी तरह से उग्र रूप लेता रहेगा। लंबे समय से ये लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं और इनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इनको आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और अब इनका कहना है कि अब आश्वासन से बात नहीं चलेगी, हम अपने हक के लिए कुछ भी करेंगे। और मैडम इनको हवा आने दो ना थोड़ी, आप इनको क्या करोगे, आप क्या करोगे? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है आज तक, और हमें पता है कि अंदर क्या होता है। हम हर जगह अंदर किसी जगह बचे जो महिलाएं कर्मचारी थी रहबरे खेल की, जी जी, बेहोश हो गई है यहाँ पर। सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है कि जिस तरह से यह प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है कहीं मामला और ज्यादा गर्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं लाठी चार्ज के दौरान जिनको चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल बेहतर उपचार के लिए ले जाते हुए।
लेके जा रहे हैं। यूथ का बिल्डर है, यूथ का बिल्डर है, हमें घसीटा जा रहा है रोडों में। हमें 26 दिन हो गए, 25 दिन हो गए यहाँ पे सड़कों में बैठे हुए, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। हम गरीबों को पीट रहे, हम गरीबों के बच्चे हैं। अगर किसी मिनिस्टर या किसी का बच्चा होता तो वो इस हाल में तो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट करके इन्हें ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है ये लगातार इंपल्सिव होता चला जा रहा है, उग्र होता चला जा रहा है। प्रदीप काफी समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर और सरकार से डिमांड कर रहे थे, और जहाँ इन्हें यही लग रहा है कि सरकार जो है इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। सोलह दिन से हम आपका प्रोटेस्ट विचार है। चलाई यहाँ पे ऐसे तो जानवरों को नहीं मारा जाता जैसे आप हमें मार रहे हो। टीचर है सर, हम तो ये चाहते हैं आपके कांधे पे सर आप पीएचडी बन के सर हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बनोगे सर। ये यहाँ से प्रेस क्लब से प्रोटेस्ट करते हुए सिविल सेक्रेटेरिएट तक जाना चाहते थे, लेकिन प्रोटेस्ट जो है इनका यहाँ पर इस प्रोटेस्ट ने काफी उग्र रूप ले लिया, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं रेबरिक हेल के जो एम्प्लॉय हैं,
महिला एम्प्लॉय उन्हें भी अरेस्ट करके लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी थोड़े ही दिन पहले इन्हें इनके साथ बातचीत की थी और इन्हें आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन अभी तक समाधान की कोई भी बात सामने नहीं आई है, जिसको लेकर यहाँ पर आज प्रेस क्लब के बाहर, प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें कई कर्मचारियों को अरेस्ट भी किया गया। थोड़ा सा सर थोड़ा यार, मेरे को जाने दो आप बेटा, आप ही निकल जाओ, ये धक्के मारे नहीं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इनका, रह भरे खेल के जो एम्प्लॉयज हैं इनका प्रोटेस्ट है, ये काफी ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रेस क्लब से ये सिविल सेक्रेटरिएट की तरफ इनका ये आज प्रोटेस्ट जा रहा था, जिसने एक उग्र रूप ले लिया, जिसमें लाठी चार्ज भी पुलिस द्वारा किया गया। और इस समय जन सैलाब हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेस ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर टीचर्स को अरेस्ट किया गया है, महिला टीचर को अरेस्ट किया गया है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी, चलिए जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप। मैम, हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी पुलिस वाले यहाँ पे, यहाँ ये फीमेल्स को डंडे इन्होंने लाठी चार्ज की, अभी इन्होंने, मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, किस लॉ में ये लिखा है, इन्होंने कि फीमेल्स पर ये डंडे बरसाएंगे क्यों? हम अपना हक मांग रहे हैं यहाँ पे रोडों पे 16 दिन से, हम अपने प्रोटेस्ट पीसफुली हमने प्रोटेस्ट किया, किसी के कानून में एडमिनिस्ट्रेशन की कानून तक जू तक नहीं गई कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे कि 16 दिन से ये रोड पे हम अपने बच्चे छोड़ के कहां कहां से आए, इनको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन पे आश्वासन नहीं देते, हर बार लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, पहले भी 7 दिन का आश्वासन दिया था, 7 महीने हो गए, उस पे कोई भी ऐसा में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो महिला कर्मचारी है जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि आश्वासन पे आश्वासन सरकार देती चली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर रैबरे खेल के टीचर्स का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और डिमांड की जा रही है जो इनका प्रोविजन पीरियड है इसे 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। और अब आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से कि यहाँ पर सिक्योरिटी और रहबरे खेल के एम्प्लॉयज द्वारा प्रोटेस्ट और ज्यादा उग्र हो गया है और महिला जो है उन्हें चोट भी आई है, जो नीचे महिला बेहोश हो गई है, नीचे गिर गई है, उन्हें चोट भी आई है। इन्हें उठाकर अंदर लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये महिला बेहोश हो चुकी हैं प्रोटेस्ट के चलते। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो महिला रहबरे खेल की कर्मचारी हैं, उन्हें किस तरह से उठा के लिया जा रहा है। माध्यम से कि जो महिला कर्मचारी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, 3 से 4 महिलाओं को बस में बिठाया गया है अरेस्ट करके, एक महिला जो है प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हो चुकी हैं, उन्हें भी बस में बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन अनकॉन्शियस होने की वजह से नहीं। नहीं,
डीएसपी है जो यहाँ पर महिला कर्मचारी से बात कर रही हैं। मेंशन करोगे अभी? पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं कि मामला जो है थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है ये काफी उग्र है। कई महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है और कई महिलाएं जो इस प्रोटेस्ट के चलते बेहोश भी अनकॉन्शियस भी हो चुकी हैं। ये वो महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हो चुकी हैं। पुलिस कर्मियों को इनको यहाँ से नहीं उठाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है रहबरे खेल टीचर्स का, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है छोटी वाली गाड़ी उठा बना हुआ है। महिलाओं को अरेस्ट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने ये जो बस है इसमें 3 से 4 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो अंदर टीचर्स हैं ये भी बार बार यही कह रही है कि सरकार जो है इन्हें लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और कहीं भी इनकी बात की सुनवाई नहीं की जा रही है। लंबे समय से ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट है इस समय प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है, प्रेस क्लब जम्मू के बाहर हो रहा है। ये प्रेस क्लब से सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ ये प्रोटेस्ट, ये जो रहबरे खेल के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जाना था और पीसफुली प्रोटेस्ट करना था, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटेस्ट उग्र हो गया। उग्र होने की वजह से जो यहाँ पर इन पर लाठीचार्ज भी किया गया और कुछ को अरेस्ट भी किया गया। लाठीचार्ज में कुछ जो हैं उन्हें चोटें भी आई हैं, भारी चोटें भी आई, और उसके उपरांत उन्हें नज़दीकी अस्पताल में लेकर गए हैं। और इस समय जो ये सरकार की तरफ से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो इनका प्रोविजन पीरियड है उन्हें 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। जस्टिस की डिमांड करते हुए यहाँ पर है रहबरे खेल के जो एम्प्लॉयज लगातार प्रोटेस्ट करते हुए आप देख सकते हैं फिर से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है यहाँ पर काफी तेज होता जा रहा है। और इनकी ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है सरकार से काफी समय से चलती आ रही थी, इनकी सिर्फ इतनी ही डिमांड थी कि जो इनका प्रोविजन पीरियड है 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए, लेकिन सरकार द्वारा इन्हें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है जिसके कारण ये सड़कों पर उतर आए। और आप पीछे देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस प्रोटेस्ट को लेकर। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।